Welcome to MPPSC online tayari. Today is the new day with the new lecture, that is the part 3 of the Vedic civilization, in which we discuss about the Vedic literature. And this the whole topic is covered from the ancient and medieval India book by Poonam Dalal Daya ma'am. You have any doubt and any query about anything, you can just ping me on Instagram or Telegram. Before we start our day, please subscribe my channel, share and give lot of likes. Let me start our day with the continuation of Vedas, and in this we discuss about Yajurveda. The first point of the Yajurveda is it deals with the procedure of sacrifices. इसका क्या मतलब है कि ये जो हमारा यजुर्वेद होता है, यहाँ पे जो प्रोसीजर होता है सेक्रीफाइसेस का, मतलब एक किसी भी चीज़ को करने का जो तरीका होता है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है. तो यहाँ पे जो तरीका है वो सेक्रीफाइस का यहाँ पे डिस्कस किया गया. सेक्रीफाइस इज व्हाट? त्याग. नेक्स्ट पॉइंट इज This text is further divided into two parts. First is Shukla Yajurved, White Yajurved, Vasanya. ये तीनों एक ही के नाम है. शुक्ला शुक्ला यजुर्वेद को क्या बोलते हैं? वाइट यजुर्वेद भी बोलते हैं और इसको वाजसन्य भी बोलते हैं. इट कंटेन्स ओनली मंत्र. इसमें सिर्फ मंत्र के मंत्र हैं. इट कंटेन्स मध्यधीना मध्य दीना एंड कन्वर इसेंशंस. ओके, नेक्स्ट इज कृष्णा यजुर्वेद, ऑल्सो नोन एज ब्लैक यजुर्वेद. इट कंटेन्स बोथ मंत्र एंड प्रोज एक्सप्लेनेशन और कमेंट्री. इसमें मंत्र भी होते हैं, प्रोज का एक्सप्लेनेशन भी होता है और उसकी कमेंट्री भी होती है. इट ऑल्सो कंटेन्स द कथका मैत्रियनी तैत्रिया कपिस्थला रिसेंशन. फाइन. The important thing in this is the Upaved. You have to know the Upaved of all the Vedas, that is four Vedas. तो आपको हर किसी के उपवेद भी पता होने चाहिए. काफ़ी बार ये क्वेश्चन पुट अप होता है कि आप के कोई नाम दे दिए जाएंगे वेद के और आपको उसके उपवेद बताने होंगे. तो यहाँ पर जो उपवेद है यजुर्वेद का इस धनुर्वेद. क्या है? धनुर्वेद. अथर्ववेदा द लास्ट वेद. प्रीवियसली जो लेक्चर था उसमें हमने दो वेद ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे. उसकी मैं यहाँ पे लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में आपको मेंशन कर दूंगी. तो अथर्ववेद के बारे में पढ़ते हैं. इट इज़ द कलेक्शन ऑफ मैजिकल स्पेल्स एंड चार्म्स. समझ में आ गया होगा मैजिकल स्पेल्स और चार्म्स के बारे में. इट इज़ द लास्ट वेदा ऑफ नॉन आर्यन वर्क. It is divided into 20 khandas and 711 hymns. Okay, it contains Gopatha Brahmana. It contains what? Gopatha Brahmana. That it is very important. आपसे पूछा जाता है जो Gopatha Brahmana है वो कौन से वेद में है. तो आपको पता होना चाहिए कौन से वेद में है. अथर्ववेद में है और अथर्ववेद के 20 खंड्स हैं, 711 hymns हैं. ठीक है. द शानुका एंड पेपलाडा इज द रिसेंशंस ऑफ अथर्ववेद. शानुका एंड पेपलाडा इज द रिसेंशन ऑफ अथर्ववेद. मेरे को समझ में आ रहा है कि इनके नाम थोड़े टिपिकल हैं, बट आप किसी भी चीज़ को आप दो तीन बार पढ़ेंगे, आप मेहनत भी पढ़ रहे हैं, आप इसको बाद में रिवाइज भी करेंगे, तो आपको इनके नाम थोड़े बहुत दिमाग में रिकनाइज हो जाएंगे और इस तरीके से तो रिकनाइज हो ही जाएंगे कि आप इसके ऑप्शन देखेंगे और पता चल जाएगा कि कौन सा चीज़ किस वेद की है. ओके, उपवेद क्या है इसका? अथर्ववेद का इज शिल्प वेद. अथर्ववेद का क्या है? शिल्प वेद. बस आपको इसको याद कर सकते हैं अथर्व वेद. तो इसमें आप मतलब ऐसे आप समझ लीजिए कि अगर आप यहाँ पर एच लगा देते हैं अथर्ववेद में तो ये हाथ बनता है. तो हाथ से क्या करते हैं अपन? शिल्पकार हाथ का ही तो यूज़ करते हैं. तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि इसका जो उपवेद है वो क्या है? शिल्प वेद है. क्या है यहाँ पर? शिल्प वेद है.
आप इसको एक बार आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप मेरे से टेलीग्राम पर इस पीपीटी की डिमांड कर सकते हैं, तो मैं आपको वहाँ पे सेंड कर दूँगी। नेक्स्ट यू कैन सी हेयर दैट इज़ द इमेज, मैंने यहाँ पर एक इमेज पेस्ट की हुई है, दैट इज़ यू कैन सी हेयर दैट इज़ द वन इज़ वेदास। आप देख रहे हैं यहाँ पे वेदास, वेदास की चार पार्ट हैं, ब्राह्मणा, संहिता, आरण्यका एंड उपनिषद। ये सारे किसके पार्ट में आते हैं? श्रुति के पार्ट में आते हैं। ओके, अब अगर आप देखेंगे सबसे बड़ा सर्कल है, तो इन सब के अंदर कल्प स्मृति, ज्योतिष स्मृति, निरुक्ता, ये सब चीज़ें इनमें हैं। जैसे कल्प हुआ, ज्योतिष हुआ, व्याकरण हुआ, छंद हुआ, तो इन सब के बारे में आप पढ़ेंगे। शिक्षा बच्चा है एक, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर है? ये स्मृति के अंदर है। आपने को जान पढ़ा होगा जब हम स्टार्टिंग में, तो ये किस में डिवाइड हो रहा था? श्रुति और स्मृति में डिवाइड हो रहा था। तो श्रुति के पार्ट्स आपने पढ़ लिए, ठीक है, स्मृति के पार्ट्स आपको बता दिए, शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्ता, ज्योतिष एंड कल्पा, दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ द शिक्षा। श्रुति पार्ट इज संहिता, ब्राह्मणा, आर्यनका एंड उपनिषद। ओके, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो सो दैट मतलब आपको रिवाइज करने में इजी हो, अगर आपको अच्छा लगता है तो। नाउ वी डिस्कस अबाउट ब्राह्मणस, दैट इज़ द वैदिक लिटरेचर, यहाँ से चालू हो रहा है हमारा। इसका हम पहला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, ब्राह्मणा। दिख रहा है आपको वेदास में चार पार्ट हैं, तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? ब्राह्मणा। ब्राह्मणा इट डिस्क्राइब्स द रूल्स ऑफ फॉर द सेक्रीफिशियल सेरेमनीज। अब जैसे हम जानते हैं जो ब्राह्मण होते हैं, जो भी पंडित होते हैं, वो सारे जो कुछ मंत्र वंत्र पढ़ते हैं किसी भी चीज़ का, एक फॉर्मेट की तरह पढ़ते हैं। तो शादी अगर किसी के घर में होती है तो उसके मंत्र अलग होते हैं, उनका प्रोसीजर अलग होता है। इसी तरीके से यहाँ पे जो ब्राह्मण है वो सारे रूल्स को डिस्क्राइब करता है सेक्रीफिशियल सेरेमनीज का। यहाँ पे हर वेद के अंदर ब्राह्मण अटैच, मैंने आपको बताया कि वेदास के फोर पार्ट हैं। कौन कौन से पार्ट बताए थे आपको? ब्राह्मण हो गया एक, आरण्यक का एक, हो गया उपनिषद, और वन मोर इज संहिता। ओके, तो हर वेद के अंदर आपको ब्राह्मणा का पार्ट मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्राह्मणा जो है उसका नाम आपको पता होना चाहिए, दैट इज सतपता ब्राह्मणा, विच इज अटैच्ड टू द यजुर्वेद, जो हमने अभी डिस्कस किया था रिसेंटली। इट इज़ द मोस्ट एग्जॉस्टिव वन, ठीक है। इट रिकमेंड्स द 100 स्केट पाथ, इसके अंदर 100 स्केट पाथ डिस्क्राइब किए गए हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन इज आर्यनकस, तो इट इज द फॉरेस्ट बुक्स। ये क्या है हमारी? एक फॉरेस्ट बुक है। फॉरेस्ट बुक इज व्हाट? जंगल की किताब, बिकॉज इट रिटन मेनली इन हर्मेंट्स लिविंग इन द जंगल फॉर देयर पीपल्स। ये जो लिखा गया है ये किसने लिखा हुआ है? हर्मिट्स ने लिखा हुआ है। हर्मिट्स का मतलब क्या है? मैंने आपको यहाँ मेंशन किया हुआ है, आपको दिख रहा होगा इजीली, मॉन्क्स, जो संन्यास ले लेते हैं, उन लोगों ने इसके बारे में लिखा है। जो कि किन के लिए लिखा है? जो लिविंग इन द जंगल फॉर देयर पीपल्स, जो जंगल में जो लोग रहते हैं उन्हीं के लिए लिखा हुआ है। डील्स विद द मिस्टिसिज्म एंड फिलोसफी एंड अपोज सेक्रीफाइसेस। यहाँ पे मिस्टिसिज्म से डील करता है, फिलोसफी से डील करता है, और सेक्रीफाइस को अपोज करता है। इट एम्फिसाइजेस मेडिटेशन। यहाँ पे तो पता है सबको, सन्यासी जो होते हैं, जो लोग जंगल में जीवन व्यतीत करते हैं, वो योगा ये सब मेडिटेशन पे बहुत बिलीव करते हैं। तो यहाँ पे ये एम्फिसाइज करता है मेडिटेशन। इट कंसीडर टू बी द कंक्लूडिंग पोर्शन ऑफ ब्राह्मणा एंड इंटरप्रिटेड रिचुअल्स इन द फिलोसफिकल वे। ये जो है इसके अंदर इसको कंसीडर किया गया है कि टू बी द कंक्लूडिंग पोर्शन ऑफ द ब्राह्मणा। यहाँ पर कंक्लूडिंग पोर्शन दिया जाएगा ब्राह्मणा का, और इसको इंटरप्रिटेड रिचुअल्स इन अ वेरी फिलोसफिकल वे। फिलोसफिकल वे में यहाँ पे जितने भी रिचुअल्स हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। नेक्स्ट वन इज उपनिषद। उपनिषद का मतलब क्या होता है? ये हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है, आई थिंक सो, मैंने तो पढ़ा हुआ है, आपने भी पढ़ा होगा शायद। उपनिषद इज वॉट, जब भी हम लोग स्टार्टिंग करने जाते हैं किसी भी चैप्टर की, तो हम लोग उसमें थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। तो ये चीज़ हम लोगों ने हमारे साथ एनसीईआरटी में भी पढ़ा होगा। अभी कुछ टाइम बाद मैं एनसीईआरटी की भी सीरीज़ चालू करूँगी। एक्चुअली होता क्या है कि आई एम द ओनली वन टू प्रोसीड दिस चैनल, तो इट टेक्स टाइम, कि मतलब मेरे को कोई भी वीडियो बनाने में टाइम लगता है, क्योंकि मैं पहले खुद पढ़ूंगी, फिर उसकी मैं नोट्स बना के उस पीपीटी को तैयार करूंगी, और जो हमारे पास एक्स्ट्रा काम्स होते हैं मुझे उनको भी करना होता है। इस बार तो वीडियो काफ़ी लेट हो गया, बिकॉज आई हैव टू डू माई सम पर्सनल वर्क, सो इसलिए मैं थोड़ी सी लेट हो गई, बट आई ट्राई टू कंप्लीट दिस सीरीज एज सून एज पॉसिबल। प्लीज़ मोटिवेट मी टू अपलोड
द वीडियोज एज सून एज पॉसिबल. प्लीज़ आप लोग तो मुझे रिस्पॉन्स देंगे तो मैं उतना अच्छे से जल्दी करूँगी कि मुझे लगेगा कि आप लोग भी मेरा वेट कर रहे हैं. चलिए अब हम पढ़ते हैं उपनिषद. उपनिषद इज़ वॉट, इसका मीनिंग होता है टू सिट नियर समवन. मतलब कोई भी उपनिषद जब हम किसी के पास में बैठ कर कोई भी हमें कोई ज्ञान देता है उसको हम उपनिषद के फॉर्मेट में लेते हैं. जो पहले के जो ऋषि मुनि थे उनके शिष्य होते थे, उनके पास बैठ के उसके बारे में सुनते थे, तो उसी तरीके से यहाँ पे उपनिषद हुए. यहाँ पर तो इसके अंदर जो है टोटल कितने हैं, ये 108 उपनिषद है हमारे पास, आउट ऑफ विच 13 आर वेरी प्रोमिनेंट. ठीक है, 13 जो है वेरी प्रोमिनेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. इट ड्वेल ऑन द एटमैन एंड ब्राह्मण एंड इट फोकसेस अ लॉट ऑन द फिलोसफी ऑफ अबाउट लाइफ, यूनिवर्स, सेल्फ, सेक्रीफाइसेस एक्सेट्रा. यहाँ पे एटमन और ब्राह्मण के ऊपर ये फोकस है. यहाँ पर फोकस ही बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है हमारी लाइफ, यूनिवर्स, सेल्फ, बॉडी, सेक्रीफाइसेस एक्सेट्रा. नॉलेज ऑफ सेल्फ एंड एटमन शुड बी एक्वायर्ड. यहाँ पे उपनिषद में आपको खुद के सेल्फ और एटमन के बारे में आपकी जो नॉलेज है वो बहुत एक्वायर्ड है. द रिलेशन ऑफ द एटमन विद द ब्राह्मण शुड बी प्रॉपरली अंडरस्टूड. जो रिलेशन है एटमन का विद द ब्राह्मण के साथ वो आपको पता होना चाहिए. पहला हम पढ़ते हैं मांडुक्य उपनिषद. ये तो बहुत ही फेमस है क्योंकि यहाँ पे हमारा एम्बलम का टाइटल दैट इज सत्यमेव जयते इस वाले उपनिषद का इस वाले उपनिषद से लिया गया है. कौन सा नाम है मांडुक्य उपनिषद, बहुत बार एग्जाम में भी पूछा गया है कि सत्यमेव जयते का जो उपनिषद है उसके नाम में आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, तो उसमें से मांडुक्य उपनिषद बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज़ द लार्जेस्ट ऑफ ऑल. नाउ कम टू द चांडुक्य उपनिषद. इट रेफर्स टू द फर्स्ट थ्री आश्रम्स. यहाँ पे जो पहले थ्री आश्रम्स हैं उनके बारे में यहाँ पे रेफर करेगा और इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैरिजेस डिस्कस की गई हैं जो आज तक, मतलब इनके भले नाम चेंज कर दिए गए हैं लेकिन फॉर्मेट इसी तरीके का चल रहा है कुछ कुछ, जैसे अनुलोमा मैरिज एंड द प्रतिलोमा मैरिज. ये किस में आती है, चांडुक्य उपनिषद में आती है. चांडुक्य, मैं चांडुक्य भी पढ़ रही हूँ आई थिंक सो, मैं प्रोसेस सही कर रही हूँ. और आपको लगता है कि इसको कुछ और बोलते हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. अनुलोमा एंड प्रतिलोमा, एक यहाँ पे मैंने इमेज डाली हुई है अगर आपको दिख रही हो. ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्मगय गर्मय मृत्योर मा अमृतम गमय. संस्कृत थोड़ी पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज़ डोंट माइंड दैट. इसका ट्रांसलेशन अगर हम लोग हिंदी में देख इंग्लिश में देखते हैं तो फ्रॉम अनट्रुथ लीड टू मी टू द ट्रुथ, फ्रॉम डार्कनेस लीड मी टू द लाइट, फ्रॉम डेथ लीड मी टू द इमोर्टेलिटी. ये जो पोर्शन है अस्तोमा सद्गमया वाला और इसका इंग्लिश में भी हम पढ़ चुके हैं, ये कौन से वाले उपनिषद से लिया गया है. डेथ इज बृद्धर्यनका उपनिषद, बृद्धर्यनका उपनिषद से लिया गया है. ओके, इनके थोड़े नाम है थोड़े से टिपिकल है तो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है. ठीक है, तो आप उसके माइंड मत करिएगा, आप सिर्फ मतलब जो भी फॉर्मेट है उसको देख के समझिए. अब यहाँ पे मैंने एक जो दो मैरिजेस के बारे में बोला हुआ था अनुलोमा एंड प्रतिलोमा, उसी के बारे में मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है. अनुलोमा मैरिज और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज हाइपरगैमी. इसमें क्या होता है मैं बताती हूँ आपको, ये समझिए. ये फीमेल है, ये मेल है. ओके, अगर कोई लोअर कास्ट की वुमन, लोअर कास्ट की वुमन अगर हायर कास्ट से मैरिज करती है, मतलब ये समझ लीजिए ये लोअर कास्ट है, ये हमारी जनरल कास्ट है, मतलब ये SC ST है और ये जनरल है. अगर कोई फीमेल इससे शादी करती है दैट इज़ कॉल्ड एज अनुलोमा हाइपरगैमी. और प्रतिलोमा के बारे में बात की जाए दैट इज़ हाइपोगैमी. अभी यहाँ पे भी दो लोग समझ लीजिए आप, ये फीमेल ये मेल, ये जनरल हो गई, हम ये SC हो गए. तो ये हो गया कि जब ये इनसे मैरिज करें, मतलब जनरल वाले SC से मैरिज कर लें, SC ST OBC से. यहाँ पे अलग अलग तरीके से आप एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं. अनुलोमा तो यहाँ पे नेगेटिव वर्ड है तो आप समझ लीजिए कि लोअर कास्ट की वोमेन है और वो मैरिज कर रही है अपना हायर कास्ट मैन से. प्रतिलोमा के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे हायर कास्ट वोमेन है और जो मैन है वो हमारा लोअर कास्ट है. ओके, तो आप इसकी भी इमेज ले सकते हैं, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है अनुलोमा. ये कंसेप्ट तो हमारे यहाँ आज तक भी चल रहा है. अब मैं आपसे पूछती हूँ कि इसमें से ज़्यादा बहुत ज़्यादा पॉपुलर कौन सा, किसको वैलिड माना जाता है, वो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में. तो इसलिए मैंने यहाँ पे वो मेंशन नहीं किया है पॉइंट,
क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे आंसर दें और मैं उसका वेट करूँगी। आप लोग मुझे बताइए कि अनुलोमा मैरिज या प्रतिलोमा मैरिज में से कौन सी वैलिड मैरिज कहलाती है। हियर वी डिस्कस अबाउट वेदास वर्सेज उपनिषद। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेन्स परस्पेक्टिव ऑफ द MPPSC या फिर किसी भी मतलब एग्जाम में अगर कुछ भी थोड़ा बहुत भी सब्जेक्टिव है तो उसमें ऐसे तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हियर वी डिस्कस अबाउट वेदास में और उपनिषद में क्या अंतर होता है उसके बारे में देखेंगे। तो हम पहले देखते हैं, शुरुआत करते हैं कंपेरिजन पे। ये रहा वेदास और ये रहे हमारे उपनिषद। कंपोजिशन की डेट की जाए तो वेदास जो है हमारा वो 1200 से 400 BCE के टाइम पर कंपोज हुआ है और ये 700 से लेकर 400 BCE के टाइम पर हुआ है। इसका जो टाइप है वो है हमारा कंपोजिशन ये है हमारा इन्हीं की सब कैटेगरी में आता है उपनिषद, ठीक है। कंटेंट की बात की जाए तो वेदास के अंदर रिचुअलिस्टिक एंड फिलोसफिकल एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के। तो यहाँ पे रिचुअलिस्टिक के बारे में भी है और यहाँ पे फिलोसफिकल के बारे में भी है, बट उपनिषद में ओनली इट इज़ अबाउट द फिलोसफिकल, ओके। यहाँ पे जो रीज़न है वेदास का टू प्रिजर्व रिचुअलिस्टिक ट्रेडिशंस यूजेस एंड डिटेल्स, यहाँ पे सिर्फ है स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट होना चाहिए, ओके। यहाँ पे जो अमाउंट है हमारा वेदास का दैट इज़ 4 और यहाँ पे उपनिषद 200 प्लस हो चुके हैं। मैंने भी आपको बताया कि वहाँ पे 108 उपनिषद तो ऑलरेडी हैं और अभी हम देखें अगर हम लोग रिसेंट स्टडी करें तो अब जो उपनिषद की जो क्वांटिटी है वो हमारी 200 प्लस हो चुकी है, ठीक है। अब आपको ये भी यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। आपसे कोई भी पूछे अगर आप वेदास और उपनिषद में क्या अंतर है तो आपको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, जैसा भी जिसको कंफर्टेबल हो, जिसको जैसे पढ़ाई करने में ईजी लगता हो। मुझे खुद के नोट्स बनाने से पढ़ाई ईजी लगती है, कुछ लोगों को सिर्फ मतलब उनको लगता है कि नोट्स बना के ऐसे करने से अच्छा है कि हम लोग इसका प्रिंट निकाल लें। अगर कुछ लोगों को जैसे जैसे जिसको अच्छा लगता है वैसे करिए, बस अपनी पढ़ाई कीजिए, स्टडी हार्ड, बिलीव इन योर फेथ, बिलीव इन योर गॉड एंड बिलीव इन योर कर्मा ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फॉलो मी ऑन टेलीग्राम और इंस्टाग्राम, दैट इज सेम नेम, दैट इज MPPSC ऑनलाइन तैयारी। एंड इफ यू वॉन्ट एनी क्वायरी और एनी लेक्चर सीरीज यू वॉन्ट फ्रॉम मी, प्लीज़ मैसेज मी और कमेंट इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। हैव अ गुड डे अहेड।